अलीजा सहर की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको किरणटी की पोस्ट पे मिलेगा जिससे मैंने उनका इंटरव्यू लिया हुआ है। इंटरव्यू लिया है अलीजा सहर का, वो आप जरूर देखिएगा। अलीजा सहर के मतलब जो आप वीडियो चल रही है, मुख्तलिफ ट्रेंड चल रहा है, क्या आया उसने खुदकुशी कर ली या नहीं, इस सूरत हाल में आपको हकीकत से मैं आगाह करूँगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वीवर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला खुशी और सलामती दे। मैं आगे बढ़ता हूँ, ये वीडियो मुख्तसर बनाऊंगा, ज़्यादा लंबी मेरी वीडियो नहीं होगी। मुख्तलिफ मेरे पास मैसेज आ रहे थे बार बार मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि अलीजा सहर के मुतालिक आप सूरत हाल बताएं, क्योंकि मैं अलीजा सहर बहन का इंटरव्यू कर चुका हूँ और उस फैमिली की मैं मेरी मुलाकात भी है, बकायदा उनसे रब्ता भी है, और मैं अपना जो सूरत हाल है आपको मेरे सबसे पहले तो ये बता दूँ कि अलीजा सहर बहन के इंटरव्यू का जो वीडियो मैंने इंटरव्यू लिया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और इसके अलावा कम्युनिटी की पोस्ट पे भी आपको मिल जाएगा, ये आपने ज़रूर देखना है, लाजमन देखना है, आपकी मेहरबानी होगी। और ये खुदकुशी की जो अफवाहें हैं बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई हकीकत नहीं है किसी किस्म की। और अलीजा बहन के वालिद से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है, और ये लोग जो है ना अपने व्यूज के चक्करों में व्यूज लेने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, इंसानियत है नहीं। और बाकी अलीजा सहर बहन के इंटरव्यू की वीडियो के हवाले से नाजेबा हकीकत है या नहीं अल्लाह जानता है, हम नहीं। और दूसरी बात ये कि देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इंसान जब गुनाह करता है रात की तारीखी में अल्लाह उस पर पर्दा डाल देता है, लेकिन जब सुबह होती है वो शख्स जो है अल्लाह के एहसान को ठुकरा देता है और वो लोगों को बताना शुरू कर देता है मैंने ये किया ये किया, और किसी पे इल्ज़ाम लगाना ये भी बहुत बड़ा बहतान है। देखें कि मेहरबानी करके खुदा रहा तमाम यूट्यूबर और तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से मेरी जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है जा रही है, और सुनने वालों से भी गुजारिश है कि इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा, इंसानियत के नाते किसी की ज़िंदगी बचाई जाए। खुशी वाले अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, इस तरह के नहीं करने चाहिए, हालांकि उसमें कोई हकीकत नहीं है, वो खैरियत और सलामती के साथ फैमिली मौजूद अपना काम रूटीन का कर रहे हैं। और जब मेरी उनके वालिद से बात हुई तो उसने ये भी कहा कि हमने साइबर क्राइम को मुल्तान में ब्रांच में वहाँ पे जो है दफातर है उधर हमने दरख्वास्त दी है कि इस वीडियो को जो है जो इस तरह के काम कर रहे हैं उनको ब्लॉक किया जाए। वो वीडियो तो ब्लॉक हो गई लेकिन आगे आगे फैलती जा रही है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है इसमें हकीकत क्या है, लेकिन हम यही कहेंगे खुदारा कि किसी की ज़िंदगी बचाई जाए, किसी पर इल्ज़ाम न लगाया जाए, अगर आप किसी पर पर्दा डालेंगे तो अल्लाह भी आप पर पर्दा डाल देंगे, देखिए माजी में क्या हुआ हमारी आंखों के सामने है, हम उसके खुद चश्मदीद गवाह हैं, तकरीबन ये दुनिया काफ़ी गवाह है, डॉक्टर आमिर लियाकत का सीन आपके सामने है, इसी तरह मेवेश और यूनुस का सीन भी आपके सामने है, मेवेश बहन का और यूनुस भाई का भी सीन आपके सामने है, मुस्कान का भी हला वो भी सामने है, क्योंकि मुस्कान की भी सूरत हाल इसी वजह से हुई और यूनुस की भी सूरत हाल वो अपने प्यार में इश्क में वो अपनी जान दे के आप पीछे मुस्कान ने भी जान दे दी, और डॉक्टर आमिर लियाकत जैसा जहीन आदमी जो स्कॉलर भी था सहाफ़ी भी था जर्नलिज्म और एम एन ए भी मिनिस्टर भी सेनेटर भी कह लें उसको जो भी कह लें वो इस दुनिया फानी से पर्दा पा गए, तो खुदारा मेहरबानी करके किसी की जिंदगी से ना खेलें, मेहरबानी करके ऐसे काम ना करें, और अल्लाह ताला हिदायत दे रहा है रात पर चलाए, हम तो दुआ गो हैं और बाकी अल्लाह सबके ऐबों पे पर्दा डाले, कोई दोस्त के धुले हुए कोई भी नहीं है, अल्लाह ताला सब पर पर्दा डाले अपनी रहमत से अपने फजल से, और हम वीडियो बना सकते हैं ये बात नहीं है कि बहुत सारे हालात आते हैं लेकिन हमें भी इतलात मिलती है फला जगह ये हुआ वो हुआ सुकुल में ये मामला आ गया मदारस में ये मामला आ गया, लेकिन क्या है कि मुझे लोग रास्ता करते हैं लेकिन हम इस तरह की वीडियो मैं नहीं बनाता, सीधी सी बात है हम साफ सुथरी वीडियो बनाते हैं, हमें व्यूज़ के चक्करों की जरूरत नहीं है। अब देखें मैं ये काफ़ी हफ्ते बाद अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसी वक्त ये अपने चैनल पर काफ़ी अर्से बाद, लेकिन ये है कि हमें टाइम भी है सब कुछ है, लेकिन क्या है कि मैं इस तरह की फजूल वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता, व्यूज़ के चक्करों में किसी की ज़िंदगी हम बर्बाद नहीं करना चाहते, हम भी बैठने वाली हैं मेरी वो बैठी है आपके सामने बैठी हैं, बेगम बैठी है बोल नहीं सकती सुन नहीं सकती, ये बेचारी चुंगी भी है बहरी भी है, मैं कहता ये मेरी बेगम भी मेरे साथ वहाँ अलीजा शहर के घर पर हम मुलाकात इनके वाले साहब के अलीजा शहर के अबू के से मुलाकात करके आए थे, वो वीडियो भी हमने बनाई हुई है,
लेकिन लीजा बयान शायद का आपने जरूर सुनना है, देखना है, बाकी दुआ में याद रखना है। इजाज़त चाहता हूँ, फिर किसी और वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।